वहीं उत्तराखंड में आफत की बारिश का दौर जारी। इस बीच एक बार फिर मौसम विभाग ने भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जो 19 सितंबर तक जारी रहेगा। लिहाजा प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की है। राहत बचाव टीम को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए। प्रशासन का कहना है कि लोग नदी किनारे जाने से बचे। आगे अगर बात कर लें, आज 17 तारीख आपकी है, तो 17 और 18 में जो पहले भी बोला गया था कि थोड़ी जो एक्टिविटी इस दौरान बढ़ेगी, जो अभी एक निम्न दबाव का क्षेत्र या जो डिप्रेशन जो है गंगटोक वेस्ट बंगाल पे बना हुआ था, तो वो अब आगे को थोड़ा मूव करेगा। और हालांकि वो वीक पड़ जाएगा, काफ़ी वीक पड़ जाएगा, पर उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो एक्टिविटी थोड़ी सी हो मिलने वाली प्रदेश में। तो आज 17 और 18 के दो दिन की बात कर रहे हैं, तो अनेक जगहों तक में हल्की मध्यम बारिश की वो संभावना है। जहाँ तक भारी बारिश की बात करें, वार्निंग की बात करें, तो येलो में आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा पिथौरागढ़ है या इसी तरह चमोली डिस्ट्रिक्ट है या नैनीताल है, उसको रखा गया है येलो वार्निंग में रखा गया। या इंटेंस शावर है और जगह भी जो हिल्स में अगर बात करूँ तो उसकी बिल्कुल संभावना है। तो आज 17 तारीख को आप ये कह सकते हैं कि इस तरह की एक्टिविटी है। और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा दिख रहा है कि वहाँ थोड़ा ज़्यादा, तो वेरी हैवी तक भी इक्का दुक्का वहाँ हो सकता मिल जाए। वहीं उत्तराखंड में आफत की बारिश का दौर जारी। इस बीच एक बार फिर मौसम विभाग ने भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जो 19 सितंबर तक जारी रहेगा। लिहाजा प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की है। राहत बचाव टीम को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए। प्रशासन का कहना है कि लोग नदी किनारे जाने से बचे। आगे अगर बात कर लें, आज 17 तारीख आपकी है, तो 17 और 18 में जो पहले भी बोला गया था कि थोड़ी जो एक्टिविटी इस दौरान बढ़ेगी, जो अभी एक निम्न दबाव का क्षेत्र या जो डिप्रेशन जो है गंगटोक वेस्ट बंगाल पे बना हुआ था, तो वो अब आगे को थोड़ा मूव करेगा। और हालांकि वो वीक पड़ जाएगा, काफ़ी वीक पड़ जाएगा, पर उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो एक्टिविटी थोड़ी सी हो मिलने वाली प्रदेश में। तो आज 17 और 18 के दो दिन की बात कर रहे हैं, तो अनेक जगहों तक में हल्की मध्यम बारिश की वो संभावना है। जहाँ तक भारी बारिश की बात करें, वार्निंग की बात करें, तो येलो में आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा पिथौरागढ़ है या इसी तरह चमोली डिस्ट्रिक्ट है या नैनीताल है, उसको रखा गया है येलो वार्निंग में रखा गया। या इंटेंस शावर है और जगह भी जो हिल्स में अगर बात करूँ तो उसकी बिल्कुल संभावना है। तो आज 17 तारीख को आप ये कह सकते हैं कि इस तरह की एक्टिविटी है। और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा दिख रहा है कि वहाँ थोड़ा ज़्यादा, तो वेरी हैवी तक भी इक्का दुक्का वहाँ हो सकता मिल जाए। वहीं उत्तराखंड में आफत की बारिश का दौर जारी। इस बीच एक बार फिर मौसम विभाग ने भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जो 19 सितंबर तक जारी रहेगा। लिहाजा प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की है। राहत बचाव टीम को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए। प्रशासन का कहना है कि लोग नदी किनारे जाने से बचे। आगे अगर बात कर लें, आज 17 तारीख आपकी है, तो 17 और 18 में जो पहले भी बोला गया था कि थोड़ी जो एक्टिविटी इस दौरान बढ़ेगी, जो अभी एक निम्न दबाव का क्षेत्र या जो डिप्रेशन जो है गंगटोक वेस्ट बंगाल पे बना हुआ था, तो वो अब आगे को थोड़ा मूव करेगा। और हालांकि वो वीक पड़ जाएगा, काफ़ी वीक पड़ जाएगा, पर उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो एक्टिविटी थोड़ी सी हो मिलने वाली प्रदेश में। तो आज 17 और 18 के दो दिन की बात कर रहे हैं, तो अनेक जगहों तक में हल्की मध्यम बारिश की वो संभावना है। जहाँ तक भारी बारिश की बात करें, वार्निंग की बात करें, तो येलो में आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा पिथौरागढ़ है या इसी तरह चमोली डिस्ट्रिक्ट है या नैनीताल है, उसको रखा गया है येलो वार्निंग में रखा गया। या इंटेंस शावर है और जगह भी जो हिल्स में अगर बात करूँ तो उसकी बिल्कुल संभावना है। तो आज 17 तारीख को आप ये कह सकते हैं कि इस तरह की एक्टिविटी है। और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा दिख रहा है कि वहाँ थोड़ा ज़्यादा, तो वेरी हैवी तक भी इक्का दुक्का वहाँ हो सकता मिल जाए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।